नमस्कार, मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो आइए एक एक खबर को जानने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शिक्षक के पद पर डीएलएड को दरकिनार कर बीएड वालों को दी नियुक्ति। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होगी। तो साथियों, प्राथमिक शिक्षक के पद पर जो कि पहले डीएलएड के लिए ही रिजर्व रहते थे, और आप इस बार भर्ती में बीएड को भी ले लिया गया है। इस वजह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर डीएलएड को दरकिनार कर बीएड को वालों को दी गई है नियुक्ति। तो साथियों, ये रही खबर, इसको आप पढ़ लें। अब साथियों, आपसे गुजारिश यह रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी बिंदास कोचिंग सेंटर का सदस्य बने। साथियों, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। 450 अभ्यर्थी चयनित दिव्यांगों में से 80% जौरा कैलारस शबलगढ़ के। तो साथियों, 450 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं दिव्यांगों में से, जिसमें से 80% जौरा और कैलारस शबलगढ़ के हैं, क्योंकि ग्वालियर के पास में हैं। और उनकी जो विकलांग कैटेगरी का प्रमाण पत्र होता है, उसके उनके प्रमाण पत्र पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो साथियों, सीधी सीधी बात है, किसी एक क्षेत्र विशेष के इतने अधिक विकलांगों का चयन होने पर उस विकलांगता प्रमाण पत्र पर संशय की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। विकलांग प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का मामला आया है मुरैना से। अब साथियों, अगली खबर, अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर छाए संकट के बादल। मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षक आने से हजारों अतिथि शिक्षक हुए बेरोजगार। तो साथियों, तकरीबन 22,000 कुछ टीचर अभी आए हैं, और 17,000 कुछ टीचर पहले भर्ती हो चुके हैं 2018 की भर्ती में। तो इससे साथियों, अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर डांका आ गया है, संकट पड़ गया है। तो ये अतिथि शिक्षकों से संबंधित खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अब साथियों, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। पहले प्रदेश में पहली बार 4.5 लाख शिक्षकों को ईएल देने की तैयारी। तो साथियों, 4.5 या 4 लाख जो शिक्षक हैं, उन सबको ईएल देने की तैयारी है। शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की वजह से ईएल नहीं मिलती है। तो साथियों, चूँकि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश तकरीबन 45 दिन के मिलते हैं, इस वजह से उनको ईएल अवकाश नहीं मिलती है। सीएस ने स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। तो जो सीएस महोदय जी हैं, उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके सीईएल देने का निर्देश दिया है। अब अधिकारी कर्मचारियों को साल भर में 30 दिन की ईएल मिलती है। तो साथियों, अधिकारी और कर्मचारियों को 30 दिन की ईएल मिलती है। सेवानिवृत्त होने पर मिलता है 300 दिन का वेतन। तो साथियों, आपको भी पता है कि सेवानिवृत्त होने पर तकरीबन 16 माह का वेतन आपको दिया जाता है, साल भर में सिर्फ 170 दिन काम। तो साथियों, साल भर में 170 दिन काम है उनका। ये सब रही खबर, पूरी खबर को आप एक एक करके पढ़ लें। चुनावी साल है, तो शिक्षकों के साधने की कवायद है, तो मामा जी प्रत्येक वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। तो साथियों, हर बाधा वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब साथियों, अगली खबर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर, दूरभाष क्रमांक इतना, मेल इतना। नवनियुक्त लोक सेवकों की यूनिक ID क्रिएट करने किए जाने के संबंध में। तो साथियों, जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं, उन सबकी यूनिक ID बनना है। वो यूनिक ID जैसे AFVN वगैरह, AF 14-16, ऐसे कुछ यूनिक आईडियाँ बननी हैं। तो उस संबंध में यह जानकारी है, मैंने सोचा आप तक यह जानकारी पहुंचाई जाए। अब साथियों, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। आप चाहें तो प्रत्येक खबर को विस्तार पूर्वक पढ़ लें। अब अगली खबर, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सूची जारी। विकलांग कोटे से 755 पदों में से अकेले मुरैना के 450 अभ्यर्थियों का चयन। तो साथियों, इस खबर पर पहले से चर्चा कर चुके हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के एजुकेशन पोर्टल एवं कोषालय सर्वर में ID बनवाए जाने बाबत। तो साथियों, जो नवनियुक्त शिक्षकों की कोषालय से ID बनना ही, उन्हें ID उससे संबंधित है। तो साथियों, और ये रही अगली खबर, कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग जिलाधार। तो ये रही खबरें साथियों, आज की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी खबरों को मैंने आप तक पहुँचाया। हमें आशा है कि आपको हमारी ये खबरें अच्छी पसंद आएंगी। यदि साथियों, आपको हमारे यह खबरें अच्छे से